नमस्ते। आज हम बनाएंगे पानीपुरी का पानी। पानीपुरी का पानी अगर तीखा और चटपटा ना हो तो पानीपुरी खाने का मजा ही नहीं आता। अगर हमारी पानीपुरी कैसी भी बनी हो, आलू का मसाला कैसे भी हो तो चलता है, लेकिन अगर पानी अच्छा ना हो तो मज़ा नहीं आता है। इसीलिए हम हमारे शहर में कितने सारे पानीपुरी वाले होते हैं, लेकिन हम वहीं पर पानीपुरी खाना जाते हैं जहाँ पानी वाले का तरसे का पानी अच्छा हो और तीखा होता है। तो फिर चलिए हम बनाते हैं पानीपुरी का पानी। इसके लिए मैंने एक मिक्सी जार में लिए है 3 से 4 ग्रीन चिली। ग्रीन चिली तीखी होनी चाहिए, तभी आपका पानीपुरी टेस्टी बनेगा और तीखा बनेगा। उसके बाद लिए मैंने एक कटोरी हरा धनिया, कोरिएंडर लीव। इसके बाद मैं ले रही हूँ एक कटोरी सूखा पुदीना। मेरे पास फ्रेश पुदीना नहीं था, अगर आपके पास फ्रेश पुदीना हो तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद लिया मैंने एक नींबू का रस, आप आपके हिसाब से, ज़्यादा खट्टा चाहिए तो 2 नींबू का रस ले सकते हैं। उसके बाद लिया मैंने 1 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा। उसके बाद मैंने लिया है 1 टेबल स्पून काला नमक। उसके बाद मैं डाल रही हूँ हींग। अगर आपकी हींग स्ट्रांग है तो आप पिंच पर ही डालें, मेरी हींग इतनी स्ट्रांग नहीं थी, मैंने ज़्यादा डाली है। उसके बाद इसको पीस लेंगे, अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। देखिए एकदम चटनी जैसा पेस्ट होना चाहिए। अब हम इसके लिए पानी लेंगे। मैंने ये 4 से 5 गिलास पानी लिया है, आप आपके हिसाब से, आपको कितना पानी तैयार करना है उतना पानी ले लीजिए। मैं ये पूरा बैटर पूरी चटनी इसमें मिलाऊंगी, आपको चाहे जितनी आप अपने हिसाब से मिला लीजिए। अगर आपको कम चाहिए तो आप बची हुई फ्रिज में रख सकते हैं, और आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा बना के डाल सकते हैं पानी में। अब मैं एक कटोरी बूंदी मिला लूंगी इसमें और अच्छे से मिला लूंगी, ताकि हमारी बूंदी और सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैंने 3 से 4 स्लाइस नींबू के पतले पतले काट के इसमें मिक्स कर लिए, ताकि हमारा पानी धीरे धीरे और अच्छा खट्टा होता रहे और दिखने में भी अच्छा लगे। इसके बाद मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून चाट मसाला। इसके बाद मैं ले रही हूँ सौंठ और अमचूर की चटनी, जो मैंने घर पे बनाई है, 2 से 3 टेबल स्पून, जो हमारे पानी के स्वाद को और भी बढ़ा देगा। आप चाहे तो डाल सकते हैं, अगर आप नहीं चाहे पानी में यूज करना इसको तो आप अवॉइड कर सकते हैं। लीजिए देखिए हमारा पानी अच्छे से सबको मिक्स कर लीजिए, और हमारा पानी बिल्कुल रेडी है पानीपुरी के साथ खाने के लिए। ये देखिए कितना अच्छा पानीपुरी का पानी तैयार हुआ है हमारा। दिखने में भी सुंदर है, खाने में भी बहुत, पीने में भी बहुत टेस्टी है, और बहुत ही तीखा और खट्टा है। मैंने इसके साथ में आलू का मसाला बनाया था, 2 आलू को बॉईल करके, और उसमें मैंने नींबू वाली सेम मिक्स की थी और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दिया था, उससे मेरा आलू का मसाला तैयार हो गया था। और उसके साथ मैंने सौंठ और अमचूर की चटनी भी ले ली थी साथ में, जो मीठा खाना चाहते उनके लिए। तो इस तरह से पानीपुरी का पानी, आलू का मसाला, चटनी सब घर पर आप बना सकते हैं। आप भी अपने पानीपुरी का पानी बनाइए घर पे इस रेसिपी से, और बताइए मुझे कैसा बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको कैसा लगा। रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।